नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द इन्वेस्टर में। मैं हूं आपका दोस्त मनीष दोस्त। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे हीरो मोटो कॉर्प के बारे में। शेयर के अंदर गजब की गिरावट देखने को मिली। जी हाँ, शेयर के अंदर मतलब आधे घंटे के अंदर, देखिए 2:30 बजे के आसपास शेयर चल रहा था अप्रोक्सीमेटली 2400 रुपये के आसपास, अभी शेयर चल रहा है 2150 रुपये। मतलब अपने आज 52 वीक लो को भी शेयर ने आज ब्रेक कर दिया है। जी हाँ, शेयर के अंदर अचानक से 12 से 13% की गिरावट देखने को मिली है। जी हाँ, 12 से 13% की गिरावट देखने को मिली है शेयर के अंदर अचानक से आधे घंटे के अंदर आ गई। या क्यों आ गई, ये सारा चीज़ मैं अभी बताऊंगा कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण देखने को मिल रहा है। जो कारण ये है मैं आपको बता दूँ अभी। देखिए कंपनी ने अभी कुछ ज़्यादा एक्सपोज किया नहीं, अपने सारे डाटा अभी दिखाया नहीं है, लेकिन ऊपरी खबर के मुताबिक ये पता चल रहा है कि 1000 करोड़ के आसपास का फ्रॉड किया गया है कंपनी के द्वारा। जी हाँ, 1000 करोड़ के आसपास का फ्रॉड किया गया है हीरो मोटो कॉर्प के द्वारा अपने कंपनी के अंदर। बहुत बड़ा फ्रॉड है ये, मतलब 1000 करोड़ के डाटा का फ्रॉड किया गया है। अब ये क्या हुआ है नहीं हुआ, ये सारा चीज़ें कंपनी आज अपने रात के स्टेटमेंट में जाहिर जरूर करेगी, BSE को बताएगी कि क्या हुआ है। लेकिन ऊपरी खबर के मुताबिक ये कन्फर्म किया जा रहा है कि कंपनी के अंदर 1000 करोड़ का फ्रॉड हुआ है। जी हाँ, ये फ्रॉड कोई किसी और ने नहीं किया है, कंपनी ने खुद किया है, कंपनी के अंदर खुद से हुआ है, ये किसी और ने कंपनी के ऊपर नहीं किया है, कंपनी के द्वारा की गई है। तो ये एक बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है। मैं अभी आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास शेयर है तो आप पोजीशन कैरी करना एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। मेरे हिसाब से पोजीशन कैरी करना एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। हो सके तो आप अभी शेयर से बच के रहिए, क्योंकि अभी जो रिएक्शन दिखाया गया है वो बस मार्केट में उड़ रही है अभी न्यूज़, उस वजह से दी जा रही है। लेकिन आज जब रात को डिस्क्लोज होगा सारा कुछ, तो उसके बाद हो सकता है कल के सेशन में शेयर और भी नीचे की ओर गिरेगा। तो मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपके पास शेयर है तो थोड़ा संभल के रहे, बच के रहे, क्योंकि हो सकता है शेयर के अंदर और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यही बताना चाहूँगा, ज़्यादा कुछ अभी तक पता नहीं चला है, तो ज़्यादा कुछ मैं आपको बाद में बताऊँगा। जैसे ही मुझे पता चलता है सारा कुछ मैं अपडेट करूँगा आपको। तब तक के लिए बने रहे, साथ में वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाले समय में जैसे ही कुछ आता है सबसे पहले मैं आपको एक्सपोज करूँ, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि क्या आया है, क्या 1000 करोड़ का क्या फ्रॉड किया गया है कंपनी के द्वारा। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दे, साथ में साथ सब्सक्राइब कर दे। और फ्रॉड बहुत बड़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा बच के रहे, हो सकता है कि शेयर के अंदर गिरावट और भी कंटिन्यू रह सकती है। तो वीडियो को लाइक कर दे और साथ में साथ सब्सक्राइब कर दे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।